इस वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित टाइप चार को देखेंगे और इसमें यह कहा जा रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करता है तब उस रेलगाड़ी की चाल निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, यह चीज़ को इस टाइप में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों पिछले जो हम लोगों ने तीन टाइप देखे थे उसके अलावा भी यह टॉपिक और यह जो टाइप है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों इस जो टाइप है उसका भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यह कहा जा रहा है कि 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है कि उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग सबसे पहले दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है उसको हम लोग 1 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। अब इसके अलावा में यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ यह ध्यान रखनी है कि इसमें रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार नहीं कर रहा है बल्कि दूसरी रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति को पार कर रहा है, यह चीज़ को ध्यान रखना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दोनों रेलगाड़ी को पार करते हैं एक दूसरे को ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग को यहाँ पर यह बोल रहा है कि दूसरी रेलगाड़ी में जो भी व्यक्ति बैठाता है उसको पार करती है दूसरी वाली रेलगाड़ी, तो यह चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे विपरीत दिशा में बोल रहा है, तो दोस्तों विपरीत दिशा में जा रही है यानी कि उसकी जो रिलेटिव स्पीड है वह क्या हो जाएगी, वह एड हो जाएगी, इसको मैंने बताया है। और अगर सेम डायरेक्शन में जाती थी तो रिलेटिव स्पीड हो जाती थी, माइनस हो जाती थी। और जो डिस्टेंस होता है दोस्तों वह हमेशा क्या होती थी, एड हो जाती है। तो यहाँ पर तो डिस्टेंस एड होगी नहीं क्योंकि यह रेलगाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति को पार करता है। जैसे कि यह कोई ट्रेन 1 है और यह ट्रेन 2 है और इसकी स्पीड जो है वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है तो यह ट्रेन जब पार करेगी इसको, तो जैसे ही ट्रेन की इंजन इसके समीप होगी तो यह ट्रेन आगे बढ़ती जाएगी, तो यह इसकी जो पीछे वाली जो बोगी होगी उन सारी चीज़ों को पार करेगी, यानी कुल मिलाकर के ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को ही वह पास करेगी। और यह जो खुद की लंबाई दिया हुआ है वह 200 मीटर दिया हुआ है जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो आइए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको आसानी से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर समय दिया हुआ है और हम लोगों को समय बराबर पता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल होता है। तो दोस्तों समय हम लोगों को पहले 9 सेकंड दिया हुआ है, तो सेकंड में दिया हुआ तो उसको सेकंड के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो 9 सेकंड बराबर हम लोगों को क्या हो जाएगी, दूरी उसके खुद का डिस्टेंस 200 मीटर, और चाल कितना हो जाएगी दोस्तों, एक ट्रेन की चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की हम लोगों को अभी इसमें पता चल जा रही है 1 किलोमीटर, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो एड हो जाएगी और यह सब दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं तो देखते हैं कि 9 बराबर हो जाएगी 200 और ये 30 + 1 हो जाएगी दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में हम लोग स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे तो उसका हो जाएगी 5/18 होती है, तो 18 चल जाएगी हम लोग के ऊपर। इसको हम लोग इसके साथ में मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 9 × 30 + x × 5 बराबर 200 × 18 हो जाएगी। 9 से हम लोग इसको काट सकते हैं दोस्तों, अब 5 × 3 = 15, 150 + 5x हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी कितना, 400 हो जाएगी। अब 5x बराबर 400 में 150 काटेंगे तो दोस्तों हम लोग को मिल जाएगी 250। अब इसमें से x का वैल्यू हो जाएगी 50। अब दोस्तों ये जो 50 है ये हम लोग किसमें माने थे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा माने थे जो कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो x बराबर कितना हो जाएगी उसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी वाली ट्रेन की स्पीड है, तो यह हो जाएगी इसका आंसर। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे दोस्तों। इसी में हम लोग अब आगे जो इसका और एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी देखते हैं, तो आइए उसको बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह बोल रहा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, तो यह क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कितने समय में पार कर जाएगी, तो हम लोगों को क्या निकालनी है, समय निकालनी है। इसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों कि ये कोई ट्रेन 1 है और अगला भी कोई दूसरा ट्रेन 2 है, अपने आगे में मतलब
यह कहा जा रहा है कि ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों की क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो हम लोगों की घट जाएगी, और डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है दोस्तों, ये तो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस ऐड होगी नहीं होगी उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलेटिव स्पीड हम लोग को क्या होगी, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। तो दोस्तों समय पूछा जा रहा है कितने समय में पार करके, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बट्टा चाल होता है, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी उसकी ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई, तो यहाँ पे 100 हो जाएगी। अब चाल देखिए दोस्तों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों की चाल घट जाएगी, इतना हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 5/18 से, तो 18 हम लोग को ऊपर चल जाएगी। अब यहाँ पे 100 × 18 हो जाएगी। अब 36 में से 54 घटाते, 54 में से 36 घटाते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगी, यहाँ पे 18 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ 5 बचेगी। अब देखिए 18 से 18 हम लोग काट सकते हैं, अब 5 इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 × 10 = 0। तो यह जो 20 सेकेंड हुआ दोस्तों, यही 20 सेकेंड में जो दूसरी ट्रेन है वह उस ट्रेन को पार लेगी, तो पार कर लेगी, तो यही हो जाएगा उसका आंसर। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, एक बार समझ जाने के बाद इसको आप लोग जितना शॉर्ट कर सकते हैं, जितनी अच्छी आसानी से बना सकते हैं, इसमें हम लोगों को टाइम भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए थोड़ा सा, और जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना लीजिएगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आगे भी हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित और भी जो टॉपिक आएंगे, जो टाइप्स आएंगे, उनको भी हम लोग देखेंगे। तो